मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज माई सेकेंड वीडियो ऑफ डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान. इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट द कंपेरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमीज ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान. सो लेट अंडरस्टैंड, एक कंपेरेटिव स्टडी करते हैं हम लोग कि तीनों किस प्रकार से डेवलपमेंट किया है, ठीक है, और तीनों का किस प्रकार का इकोनॉमी रहा है. तो कंपेरेटिव परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान इज स्टडी विद द रेफरेंस टू द प्रेफरेंस ऑफ GDP ग्रोथ. हम लोग GDP ग्रोथ के बारे में बात करेंगे पहले, फिर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, फिर डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है. तो इस प्रकार से हम लोग हर बातों पर डिस्कस करेंगे कि GDP ग्रोथ को लेकर किस प्रकार से इंडिया डेवलप्ड है और चाइना डेवलप्ड है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ क्या है, फिर डेमोग्राफिक प्रोफाइल क्या है. इस प्रकार से सभी बातों पर, हर पॉइंट पर हमने कंपेरेटिव स्टडी करना है इन चार पॉइंट को लेकर. पहला है हमारा GDP ग्रोथ. सबसे पहले आते हैं, देखते हैं इंडिया चाइना का जो एक GDP ग्रोथ है, ग्रोथ स्टोरी ऑफ चाइना का पहले हम लोग डिस्कस करते हैं. जो प्रिंसिपल पॉइंट है ग्रोथ को लेकर, इन 2009 GDP इन चाइना वाज एस्टिमेटेड 14.2 trillion US डॉलर. देखिए यहाँ पे कहा गया है कि जो चाइना का जो 2019 में GDP है वो 14.2 trillion है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इंडिया एंड पाकिस्तान. इट इज अचीव द डिस्टिंक्शन ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. और ये पूरे वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी, मतलब अर्थव्यवस्था है, मतलब बहुत ही बड़ा अर्थव्यवस्था है. बिटवीन, तो आते हैं बिटवीन 1972 से 2017 में एवरेज एनुअल GDP ग्रोथ जो था वो 9% रहा है. मतलब 1979 से लेकर 2017 में उनका जो चाइना का जो ग्रोथ है वो 90% है. बहुत ही एवरेज हमेशा 9% के बराबर दिया है. GDP ग्रोथ रिच इट पिक इन 15.2% इन 1984. अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था 15.2 1984 में चाइना का. एंड इट टच द बॉटम, अब बहुत कम भी हुआ था, ये 3.8 भी हुआ था 1990 में, मतलब घटा भी था. 2018 में ये फिर वापस ग्रोथ रेट जो है 6.6% पे आ गया है, मतलब बढ़ गया है, ठीक है. चाइना अचीव अ ब्रेक थ्रू द GDP ग्रोथ इन द अर्ली 1980. उसको चाइना को 1980 में जो है थोड़ा सा एक ब्रेक मिला था, मतलब कि उसका GDP में गड़बड़ हुआ था. द जंप हैज़ बीन इंडेड बीन वेरी सब्सटेंशियल फ्रॉम 4% टू 10%. फिर उसने जंप किया, उसने अपने GDP को बढ़ाया 4% से 10% कर दिया. द ब्रेक थ्रू इज द एट्रिब्यूटेड इन द फॉलोइंग फैक्टर. जो ब्रेक हुआ यहाँ पे वो कुछ कुछ फैक्टर के कारण हुआ, वो भी डिस्कस करते हैं हम लोग करते हैं. शिफ्ट फ्रॉम द सेंट्रली प्लान इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी, मतलब कि जो सेंट्रली प्लान इकोनॉमी था चाइना का, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का अधिकार होता है, उसने मार्केट इकोनॉमी में कन्वर्ट किया अपने इकोनॉमी को, मतलब मिक्स इकोनॉमी में आ गया जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों काम करता है. फिर फोकस ऑन द एक्सपोर्ट रिलेटेड डोमेस्टिक प्रोडक्शन. फिर फोकस दिया कि हम लोग गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे, जो डोमेस्टिक में बनता है मतलब देश में जो बनता है उस गुड्स को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है. इन्फ्लुएंस ऑफ FDI, फिर FDI को उसने बढ़ाया. एबिलिटी ऑफ चीप लेबर फोर्स, बहुत सस्ते में लेबर को लाया, गिविंग चाइना कॉम्पिटिटिव कॉस्ट एडवांटेज. और चाइना ने सबसे सस्ता गुड्स को बनाने का ये एडवांटेज अपने अंदर रख लिया. GLFF ग्रेट लिप फॉरवर्ड होता है कंपेन लॉन्च इन 1958. एक GLFF कंपेन भी किया गया था, ठीक है. तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, तो एक क्वांटम जंप हुआ है FDI में थ्रू द फ्लोइंग स्टेप. चाइना एस्टेब्लिश सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन. दिस जोन ऑफर ऑल द बेसिक इम्यूनिटी टू द इन्वेस्टर. देखिए सेज के अनुसार आपको एग्जाम में पूछेगा शॉर्ट फॉर्म में कि सेज का फुल फॉर्म क्या है. इसके अनुसार चाइना ने एक जितने भी इन्वेस्टर है उसको सभी को सुविधाएं प्रोवाइड किया है ताकि वो उनके देश में इन्वेस्ट करें. अकॉर्डिंगली चाइना बिकम द लुक्रेटिव डेस्टिनेशन फॉर द FDI. इसीलिए FDI के लिए चाइना एक बहुत अच्छा जगह बन गया. 100% इक्विटी इन्वेस्टमेंट परमिट फॉर द फॉरेन इन्वेस्टर एंड द फ्री फ्लो ऑफ FDI इन द रिटेल सेक्टर वेयर टाइपिकल इन्वेस्टमेंट पैरामीटर फॉर द ग्लोबल इन्वेस्टर. जितने भी ग्लोबल इन्वेस्टर थे, जो भी लोग पैसा इन्वेस्ट करते थे चाइना में, उनके लिए एक 100% रिकवरी हो गया, मतलब पैसा कभी डूबता नहीं था, पैसा मिल जाता था. तो बहुत अच्छा बात है.
अ जंप इन द जीडीपी ग्रोथ वॉज अचीव नॉट ओनली थ्रू द एफडीआई, सिर्फ एफडीआई से इन्वेस्टमेंट से ही ग्रोथ नहीं बढ़ा था, जीडीपी नहीं बढ़ा था चाइना का, बट आल्सो थ्रू द डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, देश ने भी इन्वेस्ट किया और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हुआ, तब जाके जीडीपी जो है दोनों का जो चाइना का है वो बढ़ गया। अ कंपेन वॉज टू बी जनरेट अवेयरनेस अमंग द पीपल डैट दे कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ जीडीपी ग्रोथ बाय द एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रियल यूनिट इवन देयर कोर्ट यार्ड दे वेयर नो चेक एंड नो रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे ये भी कहा गया, बड़ी अच्छा बात है, एक आंदोलन किया गया, एक पॉलिसी लाया गया जिसके अंदर चाइना ने ये वो कह दिया कि जीडीपी को ग्रोथ करना है और जितने भी देश के लोग हैं वो अपने कोर्ट यार्ड में, मतलब अपने आंगन में ही इंडस्ट्री को खोल सकते हैं और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगेगा। इस प्रकार से जो चाइना है वो बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्री हो गया क्योंकि उसने रिस्ट्रिक्शन को ही हटा दिया, चेक भी नहीं किया, रिस्ट्रिक्शन भी नहीं लगाया और बहुत ही ओपनली काम करने लगा। कंपनी वाज सो मोटिवेटिंग दैट इट ऑलमोस्ट जनरेट अ मोनोटम इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब कि जो कंपेन था, जो पॉलिसी था, इस प्रकार से इसके कारण जो इंडस्ट्री खुला गया उससे जो है इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही ज्यादा हुआ। रिलायंस बेसिकली ऑन द एक्सटर्नल डिमांड चाइना अचीव अ रिकॉर्ड ग्रोथ इन द एक्सपोर्ट बाय द 2010, जो 2010 है उसमें चाइना का जो एक्सपोर्ट है बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इट इमर्ज एज द लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ द ग्लोबल मार्केट, अब वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बन गया पूरे ग्लोबल मार्केट में, पूरे विश्व में। हाउएवर द रिसेंट पास्ट, द 2014 14 15 15 16 एंड 16 17 एंड 17 18 द ग्रोथ ऑफ चाइना हैज़ बिन स्लो डाउन, पर आप देख सकते हैं कुछ सालों में जो प्रीवियस साल है उसमें जो चाइना का जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे घट गया है। सम नोटेबल रीजन फॉर दिस रिगार्ड स्लो डाउन जो हुआ है, वो जो घटा है इकोनॉमी, उसको कुछ कारण है यहाँ पे। जैसे लिखा गया है ग्रोथ ऑफ द डोमेस्टिक डिमांड इन द चाइना है स्लोइंग डाउन, दिस इज बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्रोपेंसिटी टू सेव इन द चाइना, चाइना जो है पैसों को बचाने लगा, इसलिए जो है उसका जो डिमांड है वो कम हो गया है, मतलब कि लोग ज़्यादा ज़्यादा सेविंग करने लगे हैं। जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं होगा देश आगे बढ़ेगा कैसे, देश प्रोडक्शन करेगा कैसे। द करप्शन एंड द इकोनॉमिकल क्राइम्स हैव बीन टेंडेड टू राइज ओवर द टाइम, और बिल्कुल चाइना का जो गवर्नमेंट है वहाँ पे करप्शन और इकोनॉमिक क्राइम भी जो है, अर्थव्यवस्था का जो क्राइम है जैसे स्कीम उस्कीम या जो भी कह सकते हैं आप उसको, वो भी बढ़ा है जिसकी वजह से चाइना का जो जीडीपी है वो घट गया है। चाइनीज पीपल आर नाउ एक्सप्लोरिंग हायर वेज अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप चाइनीज देख सकते हैं, चाइनीज जो लोग हैं वो अब वेज ज़्यादा मांग रहे हैं, मतलब कि मजदूरी ज़्यादा मांग रहे हैं। इट इज़ लीडिंग टू द मेसिक माइग्रेशन ऑफ द स्किल लेबर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसके कारण बहुत सारे जो चाइनीज के यहाँ पे जो लोग हैं वो बाकी देशों में चल जाते हैं क्योंकि उनके ज़्यादा वेज चाहिए, मतलब ज़्यादा सैलरी चाहिए या वेजेज चाहिए। डोमेस्टिक इन्वेस्टर आर आल्सो एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमिक वेयर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज मिनिमम एंड द पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल लिबर्टी इज मैक्सिमम। यहाँ पे बताया गया है कि डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर है, जो देश के ही उसके चाइना के ही जो इन्वेस्टर है वो ये एक्सप्लोर कर रहा है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हो रहा है इज मिनिमम कम हो रहा है, और पॉलिटिकल एज वेल एज सोशल लिबर्टी जो है मैक्सिमम हो रहा है, जिसकी वजह से एक साइन मिल रहा है जो इकोनॉमिक ग्रोथ का कारण है, स्लो डाउन का कारण है। चाइनीज गवर्नमेंट इज बैटलिंग विद द प्रॉब्लम ऑफ द एन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, और चाइनीज जो गवर्नमेंट है उसको एक प्रॉब्लम से, एन्वायरमेंट डिग्रेडेशन से फाइट करना पड़ रहा है, हमेशा मुकाबला करना पड़ रहा है। हाई जीडीपी हैज़ लेड टू द सीरियस चैलेंज टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और बिल्कुल अगर जीडीपी ज़्यादा होगा तो एक चैलेंज बन जाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कम्प्लीटेड, इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया एंड दिस इज अवर कंट्री। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया एंड दिस इज टॉपिक इज कम्प्लीटेड एंड दिस वीडियो इज कम्प्लीटेड, मस्ट रीड दिस बुक। थैंक यू, इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक द इंडिया स्टोरी ऑफ ग्रोथ। थैंक यू।